Previously on Spotlight. जितनी खूबसूरत है ना तू, उतना ही तेज तेरा दिमाग चलता है. That's great then. Great. औकात में रहे और मेरी होके रहे, वरना किसी की नहीं रहे. जो औरतों पे हाथ उठाते हैं वो कायर होते हैं. हरामजादी, रस्ते से उठा के लेके आया मैं तुझे. थोड़ी शोहरत क्या मिल गई तो देव बनर्जी की होगी. बैंकचोद, तेरी हर सांस पे मेरा नाम लिखा है, समझे? ये जिंदगी सागर के किनारे जैसे होती है और खुशियां सागर की लहरें. कट. That was fantastic, Romesh. Very good. Salam, sir. Salam. Yeah, shooting chal rahi hai? Khali pada hua. Nahi, sir. Aaj to koi shooting nahi. Main thodi der baithna chahta hu yahan. Ji, sir. Zarur. Kyun nahi, sir? You are sitting in front of me. इसलिए I know तुम किसी तरह जिंदल से बचकर निकल गई. But how? How did you do it? Honestly speaking, I don't think Jindal ever loved me. Scott, मेरा relationship had become like a game of control. It was like slavery. Jindal किसी पुराने जमींदार के जैसे था. Who did not want to lose a slave. And I was a slave in real terms. Khafa khafa si har khushi mili hai har dafa. Zara zara si baat pe ye rooti har dafa. Wo chahe is shahar mein ho ya is desh mein. उसे तो मैं किसी भी हाल में ढूंढ के निकालूंगी. उसे यहाँ वापस आना पड़ेगा और इस देश के कानून को जवाब देना ही पड़ेगा. ये वादा रहा मेरा आप सबसे. नाइस. कट. गुड जॉब. अगले शॉट में 10 मिनट लेंगे. स्किप लाओ मेरे. मुझे नील का बार बार फोन आ रहा है. मुझे बात नहीं करनी प्लीज. क्या रहा है बताओ तो सही. बात क्या है? प्लीज सही वक्त नहीं है. बात बता दो. ये लो, फिर से आ गया उसको. उसे बोल दो मैं शॉट पे बिजी हूँ. कल मैं बिजी. हाँ जी सर. सर वो मैडम शॉट में बिजी, मैं करवाता हूँ आपकी बात. ओके सर. बोल दिया. फाइन, गो. अभी बताओ तो सही बात क्या है. चल कह रहे आप बता ही नहीं हो कुछ. जाओ, गो. वो सर मैं मादर चौध मैडम शॉट में. हाँ, ये है तेरा शॉट. देखो मैं भी शॉट देखे आई हूँ. जो कुछ कहना है मुझसे कहो. कुछ कहने वाला नहीं हूँ, दिखाने वाला हूँ. चल गाड़ी में बैठ. तो पागल हो क्या? देखो अभी शूटिंग चल रहा है. मैं इसे शूटिंग छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? जैसे मेरा हाथ छोड़कर गई थी वैसे. चल बैठ. संदीप प्लीज तुम घर जाओ, मैं बैकअप के बाद तुमसे मिलती हूँ. अगर मैं उतरा ना तो 3-4 के अंदर तो घुसा ही दूंगा, पर सबसे पहले इस झूठे ढक्कन के भेजे में घुसाऊंगा. चलती है या फिर उतरू? संदीप कृष्ण, तुम डायरेक्टर साहब को बोलो कि मेरे बगैर शॉट्स ले लें.
सो एक घंटे में वापस आ जाऊंगी। नहीं दीदी, मैं तेरे को इनके साथ नहीं जाने दूंगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, कन्ना यहाँ से नहीं गई, अगर किसी पे गोली चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज संदीप, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बात कर सकते हैं प्लीज? संदीप, संदीप हम यहाँ क्या कर? संदीप, इतनी बार फोन किया मैं तेरे को जिंदा साहब, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। भाई की माफ की आंख, मैं तेरे को क्या पूछा? कितनी बार फोन किया मैं तेरे को? मेरे भी बेटे का मादर चोद, मैं क्या पूछ रहा है? मैंने तेरे को कितनी बार फोन किया? बहुत बार किया था, बहुत बार। और तूने मेरा फोन नहीं उठाया, चूतिया काट रहा था तू मेरा। तेरे को क्या लगा कि जिंदल को तू अवॉइड मारेगा? तो मामला सुलझ जाएगा क्या? प्लीज जिंदल साहब मुझे माफ कर दो। तेरे को मालूम है जब फोन कोई उठाता नहीं है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि फोन करने वाला चूतिया। नहीं साहब, फोन करने वाले की औकात नहीं साहब, फोन करने वाले की इज्जत नहीं। वो चूतिया साला गली का कुत्ता, भौंक रहा है तो साले को भौंकने दे। नहीं साहब, बोलना मैं गली का कुत्ता है? नहीं, बोलना मैं भौंकता है? नहीं नहीं नहीं, अरे बोल मैं कुत्ता? नहीं साहब। गार दो हरामजादे को। मेडिसिन बॉक्स है ये मेरा, कोई अपने को सरदर्द देता है ना तो अपने को नहीं गोली उसको खिला देता हूं। दीदी, दीदी हुआ क्या है? दीदी बताओ तो सही। जानता है कि तू प्यार नहीं करती उससे। अरे प्यार तो क्या, नफरत करती है उससे। उसके पास बस एक ही तरीका बचा है, तेरे को डरा के बांध के रखने का। सबको जानता है वो, मैं क्या कर रहा हूँ? दीदी अपुन जब छोटा था तो सो गया था, अपुन ने देखा कि एक बहुत बड़े हाथी को नाजुक सी चेन से बांध रखे लाता, तो अपन ने माहौल से पूछा कि इतना स्ट्रॉन्ग हाथी इस नाजुक सी चेन को तोड़ नहीं सकता क्या? तो माहौल हंसा और बोला कि ये हाथी चेन तोड़ सकता है लेकिन भूल गया है। बचपन में इस हाथी ने बहुत बार चेन तोड़ने का ट्राई किया लेकिन तोड़ नहीं सका। अब ये बड़ा हो गया है फिर भी उसे लगता है कि उससे नहीं होगा, भूल गया हूं। तू भी भूल गई है दीदी, तू वो लड़की नहीं है जो मुंबई आई थी, तू चेन तोड़ सकती है। कुछ नहीं, चलो चल मेरे साथ। कहा? चेन तोड़ने जा रहे हैं अपन।
तभी तेरे को मेरे को गोली मारना पड़ेगा। विष्णु पागल हो गए तुम, मैं ऐसे नहीं कर सकती। देखो शायद मुझे भी तुम्हें मारना पड़े और शायद तुम्हें थोड़ी चोट भी आए, लेकिन प्लान के लिए सब जरूरी है। खतरनाक प्लान, मैं नहीं कर सकती। दीदी प्लीज प्लीज, मैं जानता हूँ मैंने हिम्मत कहाँ से जुटाई है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, वरना ये आदमी शायद हम दोनों में से किसी एक को मार देगा। दीदी अब पकड़ो, कुछ नहीं होगा। विष्णु दीदी अब पकड़ो, विष्णु कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। दीदी ठीक हो ना? यही पे गोली मारी थी उसे। फिर उस तरफ खसीट के लिए गए थे। हेलो सुन, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें सेट छोड़ के चली आई। सना आर यू ऑलराइट? क्या हुआ है? यू डोंट साउंड फाइन। प्लीज कैन यू जस्ट प्लीज कम हियर प्लीज। क्या हुआ है बताओ तो तुम। रियली नीड योर हेल्प प्लीज। Please come to Sanjay and Mills, please. I'm coming. मैं अभी आया. Yeah. I'll just come. You just hang on. No. No, wait, you need to relax, relax. I'm really sorry, meri wajah se aapki shoot ruk gayi, sir. First and foremost, it is not Dev, sir. You can call me Dev. And secondly, tumhari agar koi galti hai, to sirf itni hai ki tumne Jindal jaise aadmi ka torture इतने समय तक बर्दाश्त किया। क्या करती मैं? It was hell of my own making. You know, I sometimes wish कि men came with censor certificates.
That way I would have hated Jindal R. Sexual abuse. Violence and torture. You are a brave woman. But aapko mein darne ki koi zarurat nahi hai. He has been arrested. Vishnu kaisa? He's good. He's out of danger. Can I see him? Sure. Can you open the door, please? Thank you. I'll take your leave. हमारा प्लान काम कर गया. जिंदल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. He is in jail. मेरा हक बनता है तुम पर इतना भी नहीं कि तुम सर अपनी जान मुश्किल में डाल दो मेरे लिए. एक दफा अपनी बहन को खो चुका हूं, दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा. पता है विष्णु, इसने भी तुम्हारा नाम रखा था ना, शायद मेरे बारे में सोच के रखा था. तुम हो विष्णु, है प्रोटेक्टर. लेकिन अब बस विष्णु, बहुत सह लिया हमने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत जिल्लत सह ली हमने, अब नहीं. पता है विष्णु, आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसे सिर्फ एक ही बात साबित होती है. साम दाम दंड भेद, अगर यही दुनिया की सच्चाई है ना, तो यही सही. Enough of fair means. Now it's time to go by foul means. हाँ सर, मिलना है उससे. किससे? समय से. व्हाट? वहाँ हॉस्पिटल में, सारी मीडिया के सामने? हाँ. सर एक बार और सोच लो प्लीज, देखो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. बहुत सोच लिए शास्त्री जी, अब कुछ बगैर सोचे समझे करना चाहता. खफा सी हर खुशी मिली है हर दफा, जरा जरा सी बात पे ये रूठी हर दफा. न जाने ख्वाहिशों में क्यों मलाल सारा, जाने कैसा ये रास्ता है, न जाने कैसा कारवां, न हम जुबां है न हम नवा है, न जाने कैसा है मकान, न जाने कैसा.